सबको अगर तुम राजी करने के लिए तैयार हो तो सुनो, सबको राजी करो, खुदा और रसूल को भी राजी करो। लेकिन सुनो, अगर दूसरा साइड इफेक्ट तुम्हारा ये पड़ता है कि खुदा और रसूल को वो नाराज करने के लिए तुम्हारा समाज कहे, तुम्हारा भाई कहे, तुम्हारा बाप कहे, तुम्हारे दोस्तों अहबाब कहे, ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा खुदा भी रूठ जाए, रसूल भी रूठ जाए, तो जमाना नाराज हो जाए, कोई बात नहीं, खुदा और रसूल नाराज, तुम्हारा बिगाड़। अगर तुमने खुदा और रसूल को नाराज किया और जमाने को राजी किया तो सुनो, यहाँ भी ठोकर खाओगे, वहां भी ठोकर खाओगे, यहाँ भी बर्बादी होगी, वहां भी बर्बादी होगी। इसलिए हम खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हम सुन्नत को अदा कर रहे हैं, मौला ये सुन्नत को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की तौफीक, सुन्नत को खुराफात से बचाने की तौफीक, इन सुन्नतों के अंदर जो बिदअतें हमारी जारी हो चुकी हैं, जिन पर हम पाबंदी से अमल करते जा रहे हैं, ये शरीयत के खिलाफ काम है, इन काम से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। इसमें ये ना देखा जाए हमारा दामाद कर रहा है, देखा ना जाए कि हमारा भाई कर रहा है, देखा ना जाए हमारे दोस्तों अहबाब करें, बल्कि देखा ये जाए कि सुनो, अल्लाह और रसूल इस काम में राजी है कि नहीं। अगर राजी नहीं है, पूरी कायनात कहते रहे तुम उसे ना अपनाओ, और अल्लाह और रसूल अगर राजी हो जाए, पूरी कायनात उस काम को मना करते रहे, तुम उस काम को करते रहो, तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। इसलिए मैं खुदा की बारगाह में दुआ करता हूँ, मालिक मौला हम सबको सुन्नत रसूल के मुताबिक।